यो तो कैसे हो सब। तो आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज के दिन हम लोग बनने वाले हैं नूब फॉर 24 आवर। नूब बन के हम लोग भाई काफी ज्यादा आज रैंक पुश करने वाले हैं, वो भी क्लैश स्क्वाड रैंक में। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे कहने का तो ये मेरा सेकंड आईडी है, बट भाई इस वाले आईडी से हम ज्यादा गेम नहीं खेलते। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग इसी आईडी से प्रैंक करने वाले हैं जिसका नाम है एजी आसू करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास एडम कैरेक्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले लास्ट में आपको एडम दिखेगा। वैसे इसका नाम प्रीमिस हो चुका है बट इसको हम लोग अभी भी एडम बोलते हैं क्योंकि हम लोग ओल्ड प्लेयर है। तो यहाँ पर से एडम को घोड़ा कर लिया और यहाँ पर से सबसे पहले इसको जो डिफॉल्ट कपड़ा होता है वो पहना लेते हैं जो कि एफ एफ मैक्स का आप लोग देख सकते हो, और जूता भी यहाँ पर से डिफॉल्ट ही पहनाएंगे। तो यहाँ पर से नीचे करते हो भाई, इसमें ज्यादा कलेक्शन भी नहीं, तो यहाँ पर से डिफॉल्ट वाला यही कपड़ा है। बाकी जो हम लोग का टोपी इसको भी हटा लेते हैं वरना बंदा लोग पड़ोस समझेगा क्योंकि वो एंजेलिक वर्नल का टोपी है। और यहाँ पर से जो हाथ में गन है इसको भी हटा लेते हैं, तो यहाँ पर से हटा लिए इसको। और भाई फाइनल हम लोग रेडी चुके प्रैंक करने के लिए। तो भाई यहाँ पर से क्लैश स्क्वाड रैंक करते हैं और चलो फिर गेम को स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर 0-0 राउंड है और यहाँ पर से देख सकते हो भाई मेरे साथ नूमरे टीममेट्स आ चुके हैं। एडम कैरेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर तत्सुए कैरेक्टर और कुछ बहुत सारा कैरेक्टर का एबिलिटी लाके खेल रहे हैं जो कि आज के टाइम में पॉसिबल है, बट 2019 के टाइम में यह भाई इम्पॉसिबल था। ठीक है, बाकी यहाँ पर से देख सकते हो भाई मेरा एक टीममेट डाउन हो चुका है, तो बंदे को यहाँ पर मारने का ट्राई कर रहे हैं और भाई मेरा वन टैप लगता ही नहीं यार, हम कितना बोट है भाई। अब देखो मेरे रैंक लो है उसके चक्कर में ना मेरे जो टीममेट होते हैं वही एक एक करके ना यहाँ पर मारने लगते हैं। अब मेरे सामने यहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं जिसमें से एक को वन टैप लगता है, दूसरे को मारने का ट्राई कर रहे हैं बट उसको वन टैप लगता ही नहीं है। उसके चक्कर में वो समझ भी नहीं आता करे तो करे क्या, क्योंकि देखो टीममेट को यहाँ पर रिवाइव नहीं कर सकते और टीममेट यहाँ पर रिवाइव चिल्ला रहा क्योंकि ये नूबड़े प्लेयर है और इनको भाई समझ भी नहीं है कि भाई यहाँ पर सामने बंदा है और ये थोड़े से अंधे टाइप के होते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हो भाई एक बंदे को वन टैप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये बंदा सीधा करा है बट इसको फिर भी वन टैप नहीं लगता और बाद में जाके ये सभी बंदे मेरे को मार देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है इसमें को भाई काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि हम नूब बंदे से पीटे हैं और भाई मेरा 83 लेवल है और किसी बोर्ड बंदे से पीटोगे तो भाई तुमको ऑब्वियसली बात है कि गुस्सा बहुत ही ज्यादा आएगा। तो फिर जितना भी गुस्सा था मेरा सारा इस वाला बंदे के ऊपर उतार देता हूं और अभी भी यहाँ पर एक आखिरी वाला बंदा बचा जिसको भाई वो मेरा जो टीममेट होता है वो मार के फिनिश कर देता और यहाँ पर एक एक का राउंड हो जाता है। वैसे स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि ये जो चैलेंज है काफी ज्यादा इजी होने वाला क्योंकि इसमें तो हमको सिर्फ गेम ही खेलना है, बट भाई गेम खेलना है बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास स्किन नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास थॉमसन का स्किन नहीं है, तो बंदे को मारने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और ऊपर से मेरे पास कैरेक्टर स्किल दिया हुआ है जो कि भाई बस 2 दिन के लिए मिला है, उसके बाद सारा कैरेक्टर स्किल चला जाएगा। तो भाई नूब बन के खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस वाले राउंड में एडवर्म लेते हैं, एडवर्म से इस वाले बंदे को डाउन करते हैं और भाई मेरे पास टीममेट जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे आ रहे थे क्योंकि ये जो टीममेट होते हैं भाई एक दो बंदे डाउन कर देते हैं और कभी कभी तो खुद भी डाउन हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हो सामने की साइड बंदा होता है और इसमें हम सीधा रश करते हैं, एक गोली मारते 150 का पड़ता, फिर मेरा एडवर्म से एक और गोली पड़ता और ये वाला बंदा यहाँ पर से मर जाता है और यहाँ पर से 3-1 का राउंड हो जाता है। आगे चल के ये जो बंदे होते हैं कम बैक कर लेते हैं क्योंकि ग्रोजा से हमको भाई काफी जल्दी जल्दी मार देते हैं 4 के 4 बंदे मिलकर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बंदे को डाउन करते हैं और यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं, बट थोड़ी देर में क्या होता है वो जो बंदा होता है रिवाइव हो जाता है। तो यहाँ पर एक बंदे को डाउन करके हम सीधा बंदे पे रश करते हैं और ये जो बंदा होता है उसको एक गोली मारने का ट्राई करते हैं बट लगता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक गोली और लगा और उतने में भाई मेरे पे रश आ रहा था तो उसको भाई मेरे टीममेट यहाँ पर डाउन कर देता और ये जो बंदा था उसको यहाँ पर जल्दी जल्दी मार के फिनिश कर देते हैं। और एक जो आखिरी वाला बंदा था वो कहाँ पर उसको भी ढूंढना भाई सबसे बड़ा दिक्कत का काम है क्योंकि नूबड़े बंदे कैंपिंग करते हो तो ये वाला बंदा ऊपर की साइड होता है, तो इस वाले बंदे को 2 गोली मारते और ये बंदा यहाँ पर आराम से मर जाता और गेम को हम लोग इजीली तरीके से बोया कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट गेम होता है यहाँ पर से भाई देख सकते हो एक टीममेट बुलाए थे हम जो कि मेरा दोस्ती था, ठीक है, ये नूबड़ा आईडी बना के आ गया है मेरे साथ खेलने के लिए, हम काफी ज्यादा बोर होते हैं उसके चक्कर अपने टीममेट को बुलाए थे। अब उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हो एक बंदा मेरे पे रश करता है, उसको हम सबसे पहले डाउन करते हैं और सीधा भाई आई की साइड जाते क्योंकि ना यहाँ पर हमको क्वाड्रा करना था, तो हम थोड़ा सा आगे जाते, यहाँ पर से 2 बंदे मिलते हैं जिसमें से हम दोनों को मार देते हैं बट यहाँ पर से मेरा ट्रिपल टेक डाउन होता है, उसके चक्कर में यहाँ पर से क्वाड्रा मिस हो जाता है। तो ये वाला गेम तो हम लोग क्वाड्रा नहीं कर पाए लेकिन आगे ट्राई करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर से भाई एक लड़की जो कि यहाँ पर से लेटी रहती है इसको जल्दी जल्दी मारते और ये बंदे यहाँ पर से मर जाती है और यहाँ पर से 3-0 का राउंड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर से चलेंगे थोड़ा सा आगे की साइड, ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके लास्ट राउंड में, यहाँ पर से 2 बंदे होते दोनों को भाई एक ही स्प्रे के अंदर फिनिश कर देते हैं और ये दोनों यहाँ पर से मर जाते हैं और ये जो गेम होता है हम लोग बोया कर लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में वापस यहाँ पर 3-0 का राउंड था, ठीक है, हम लोग सीधा बंदे पे रश करते हैं और यहाँ पर से भाई मेरे पास अच्छा खासा चांस था ये बंदे को मारने का बट ये जो बंदा उसको पता नहीं मेरे को टीममेट ही मार दिया था और यहाँ पर एडोलम से हम बंदे को मारने का ट्राई करते हैं और बाद में यहाँ पर बंदे को डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर डाउन करने का जो आखिरी वाला बंदा उसको हम लोग मारने के लिए जा ही रहते हैं बट जो ये बंदा होता है इसको भाई एक दूसरा बंदा यहाँ पर फिनिश कर देगा, ये देखो फिनिश कर दिया। और इसके बाद हम लोग ये वाला गेम होता है जो बोया कर लेते हैं काफी इजिली तरीके से और चलो फिर देख लेते हैं इस वाले गेम के अंदर से हम लोग अभी कितना स्ट्रीक चल रहा है वो भी आपको हम दिखाएंगे क्योंकि 2 गेम्स आपको हम दिखाए नहीं थे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और मेरा स्ट्रीक
कि आप लोग भी सॉक्ड हो जाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 17 का स्ट्रिक चल रहा था मेरा। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके हो, मेरे सामने जो आखिरी वाला बंदा रहता है इसको हम लोग जल्दी जल्दी मारेंगे डबल वेक्टर से और गेम को बोया करेंगे। तो यहाँ पर काफी और डैमेज देने के बाद ये बंदा यहाँ पर से मर जाता है। बाकी इस वाले गेम को हम लोग काफी इजिली तरीके से बोया कर लेते हैं 4-0 के राउंड से। और चलो देख लेते हैं इस वाले गेम के तरफ से हम लोग कितना प्लस मिलता है। बाकी सभी लोग यहाँ से वीडियो का लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। और गाइस हम लोग को यहाँ पर से 1 स्टार प्लस मिलता है, ठीक है, और 18 का बॉय स्ट्रिक हो गया है। अब जो नेक्स्ट गेम होता है यहाँ पर देखो हम लोग क्वाड्रा निकालने वाले हैं। तो एक ग्रेनेड से दो बंदे को डाउन करते हैं। यहाँ पर से एक बंदा पता नहीं कैंपिंग करा तो उसको हम लोग यहाँ पर से डाउन करते हैं और सीधा ऊपर की साइड जाते हैं। उतने में यहाँ पर से एक बंदा रिवाइव हो जाता है और आते आते यहाँ पर से भाई एक बंदा और किसी को रिवाइव दे देता है तो उसको हम लोग सबसे पहले डाउन करते हैं और एक गोली इसको मारते तो ये बंदा यहाँ पर से मर जाता और यहाँ पर से मेरा क्वाड्रा हो जाता है, जो कि भाई काफी अच्छी बात है। और ये हम लोग का यहाँ पर से पहला या फिर दूसरा क्वार्टर रहा था। जैसे यहाँ पर क्वार्टर गिल किया तो भाई मेरे टीममेट यहाँ पर से सॉक्ड हो गया और सभी लोग मेरे को रिकोसेंड करना स्टार्ट कर दिए थे। बाकी यहाँ पर से देख सकते हो तो MVP भी हम ही बने और यहाँ पर से हम लोग को 2 स्टार प्लस मिलता है। गोल 2 भी हम लोग का हो चुका और यहाँ पर से देखो 1 स्टार प्लस मिला और यहाँ पर से हम लोग का 19 का बॉय स्टिक हो गया। सामने से बंदा मेरे पे रश कर रहा है, इसको थोड़ा सा डैमेज देते हैं और डाउन कर लेते हैं। और एक जो बंदा था वो हमको देखते ही भाग जाता है भाई, मतलब मेरा डर का माहौल है यहाँ पर भाई, मतलब बंदे लोग मेरे से डर रहे इतना ज्यादा कि क्या ही बात है। बाकी यहाँ पर से बंदा भाग जाता है और आगे चल के मेरे जो टीममेट होते हैं भाई इस बंदे को यहाँ पर से मार के फिनिश कर देते और गेम को हम लोग इजीली तरीके से बोया कर लेते हैं। अब और चलो देख लेते हैं हम लोग का कितना का स्ट्रिक होने वाला। हम लोग वापस से यहाँ पर से MVP बन चुके हैं और यहाँ पर से हम लोग को वापस से 2 स्टार प्लस मिलता है। पता नहीं 2 स्टार क्यों प्लस मिला। बाकी 20 का स्ट्रिक हम लोग का हो गया है। अब इस वाले गेम में हम मर जाता हूँ, मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं और यहाँ पर से देख सकते ये बंदा डबल वेक्टर लेके खेल रहा और भाई सामने वाले टीम के पास डबल वेक्टर था इसलिए हम लोग मरे वरना फिर हम नहीं मरते। बाकी यहाँ पर ये वाला बंदा डबल वेक्टर से मारने का ट्राई कर रहा है बंदे को। पहले हमको स्टार्टिंग में लग रहा था ये बंदा यहाँ पर से इजिली मर जाएगा बट ये बंदा इतना इजिली नहीं मरता है, ठीक है। ये बंदे के भी दिमाग होता है अपने जैसा, जिक्र कि आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बंदा फ्लैश फ्रीज फेंका, उससे बंदे का वुगोंग टूटा और उसके बाद यहाँ पर से डबल वेक्टर लेके बंदा रश करता है और बंदे को भाई एक ही झटके के अंदर फिनिश कर देता और 4-2 से हम लोग जीत जाते हैं। अगर ये वाला बंदा हम लोग को गेम नहीं जीता पाता तो फिर हम लोग का यहाँ पर से स्ट्रिक टूट सकता था क्योंकि भाई नेक्स्ट राउंड में हमें थोड़ा सा ऑफलाइन चले गए थे। बाकी MVP भी वही वाला बंदा बनता और यहाँ पर से हम लोग को वापस से 2 स्टार प्लस मिला जो कि भाई काफी अच्छी बात है आप लोग देख सकते हो। और भाई हम लोग का 21 का स्ट्रिक हो जाता है। फिर हम थोड़े टाइम के बाद आते हैं वापस ऑफलाइन होकर ऑनलाइन आ जाते हैं और यहाँ पर से 3-0 का स्कोर कर देते हैं और कटाना लेके जल्दी जल्दी भाग रहे थे क्योंकि ये आखिरी वाला राउंड था और उनको कुछ भी करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किल करने का था। तो यहाँ पर से मेरा जो टीममेट होता है उसको एक बंदा मार देता और उसके बाद यहाँ पर से भाई देख सकते हो अच्छे अच्छे बंदे आने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर हम लोग फ्लैश फ्रीज फेंकते हैं, उतने में ये बंदा पता नहीं किधर से घुस जाता है बीच में यार हमको मारने के लिए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बंदे का वाल तोड़ते और बंदे को यहाँ पर से मार के फिनिश करने का ट्राई करते बट ये बंदा ना भाई मतलब वाल तोड़ नहीं रहा है, बस ग्रेनेड कर रहा है। उतने में यहाँ पर एक बंदा और तोड़ते इसको यहाँ पर एक गोली मारने का ट्राई करते, एक गोली लगता है और बंदे के पास यहाँ पर एक कोबरा MP40 होती है और यहाँ पर बंदा वो काफी डैमेज दे रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे जाकर के वाल लगाते हैं और एक गोली मारते हो तो ये बंदा यहाँ पर डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद एक और बंदा मेरे सामने से आता है तो इसको यहाँ पर एक गोली मारते हैं, बंदा सोनिया बन जाता है और सोनिया बनने के बाद बंदे को वापस एक गोली मारते हैं। तो ये वाला गेम हम लोग यहाँ पर बोया कर लेते हैं और 4-0 से वाला गेम हम लोग जीताते हैं। इस वाले गेम में अभी हम लोग MVP बने जो कि भाई काफी अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से देख करते हैं कि हम लोग यहाँ पर से कितना स्ट्रिक हुआ। तो गाइस हम लोग यहाँ पर से 22 का स्ट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर से हम डाउन पड़े रहते हैं। इस वाले राउंड में ना एक बंदा हमको एडोरम से हेडशॉट मारता है, उसके चक्कर में यहाँ पर से डाउन हो जाता है और डाउन होने के बाद जो टीममेट होता है वो हमको जल्दी से रिवाइव करता है वरना फिर ये यहाँ पर से बंदे को मार देगा। इसलिए उसको बोले कि भाई हम वीडियो बनाने हमको प्लीज बंदे को मारने दो। तो भाई मेरे टीममेट भाई समझदार बंदा है इसलिए हमको भाई यहाँ पर से बंदे को मारने दिया और उतने में यहाँ पर से फुल स्टेप आता है, इसको एक लड़की मारने का ट्राई करती है। तो यहाँ पर हम नेड कुक करते हैं यहाँ पर से और सीधा जो नेड होता है एकदम सामने की साइड फेंकते हैं और लड़की को डैमेज पड़ता है और ये जो बंदा होता है किल चोरी कर लेता है मेरा बट कोई बात नहीं चलता है। अब यहाँ पर एक आखिरी वाला बंदा बच जिसको हम लोग यहाँ पर मारने के लिए जाएंगे तो चलो फिर यहाँ पर चलते हैं। और वो बंदा कहाँ पर है उनको बिल्कुल ही लोकेशन नहीं पता था बंदे का बट हम जैसे इधर आते हैं तो यहाँ पर हमको फुट स्टेप सुनाई देते कि यहाँ पर बंदा है आजू बाजू। तो यहाँ पर हम लोग आगे आते और यहाँ पर जो बंदा होता है उसको यहाँ पर एक गोली मारने का ट्राई करते लेकिन वो जो टीममेट होता है वो उसको मार के फिनिश कर देता है और गेम को हम लोग यहाँ पर बोया कर लेते काफी अमेजिंग तरीके से। और इस वाले गेम में MVP बनता है मेरा टीममेट आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर हम लोग को वापस से 2 स्टार प्लस मिला जो कि भाई काफी अच्छी बात है। और चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना का स्ट्रिक होने वाला। तो गाइस हम लोग का 23 का स्ट्रिक हो गया और यहाँ पर भाई देख सकते हो हम लोग ऑलमोस्ट जीतने वाले। तो यहाँ पर हम लोग वापस KWM लेके जा रहे थे बट भाई हम इतना बड़ा नूबड़ा ना क्या बताया भाई, यहाँ पर बंदे को मारने का ट्राई कर रहे हैं, मेरा टीममेट यहाँ पर डाउन होता है और अचानक से मेरे को पीछे से गोली पड़ने लगता है और हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर भागते हैं अंदर की साइड क्योंकि भाई बंदे लोग काफी ज्यादा है। और यहाँ पर हम डबल एडम चलाते हैं जो कि हमको चलाने नहीं आती बट फिर भी यहाँ पर एक गोली मारे और यहाँ पर भाई बंदे को 2 से 3 गोली मारे बट बंदा मारा ही नहीं यार, बट वो बंदा मेरे को मार के फिनिश कर देता और बाद में मेरा टीममेट भी उसको मार के फिनिश कर देता है और ये बोलता है कि मेरा क्वाड्रा है तो इसलिए हमको रिवाइव
डैब नहीं करता और सीधा जा रहा है बंदे को मारने के लिए, और इसको हम बोले कि भाई ऊपर वाला जो टीममेट वो मार दे क्योंकि वो बंदा रेंडम है। तो ये बंदा एकदम सीधा की साइड जाता है उसको मारने के लिए, बट यहाँ पर से देखो भाई वो बंदा क्वार्टर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बाकी वो देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब यहाँ से कर देना। बाकी चलो फिर वीडियो इन करने का टाइम हो चुका है, तो हम लोग मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तो भाई अपना ख्याल रखना, फैमिली का भी ख्याल रखना, और लव यू ऑल, बाय बाय।